हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मोनिका अग्रवाल फ्रॉम डिवाइन सेंटर पार्ट ऑफ स्पिरिचुअलिटी। तो आई होप आप लोगों को टैरो मिनी लेसन्स एंड स्प्रेड्स के बारे में अच्छा लग रहा होगा। मैं टाइम टू टाइम रेकी की कुछ क्लासेस कवर करती रहती हूँ और टैरो लेसन्स भी कवर करती रहती हूँ, लेकिन हमेशा एडवाइजेबल होता है कि आप प्रॉपर तरीके से सीखें, क्योंकि अगर वीडियोज़ नेट या हम मीनिंग से ही सीखते रहेंगे तो छोटे मोटे वर्कशॉप्स काफ़ी चलते रहते हैं और आप नेट पर भी सीख सकते हैं। इसलिए बेटर है कि आप प्रॉपर सीखें, क्योंकि अक्सर इस तरह के वीडियो से अगर आप सीखने की कोशिश करते हैं तो वो आपको थोड़ा बहुत ओवरव्यू जरूर देते हैं, लेकिन अगर आपने सीखा नहीं हुआ है, प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं ली और फिर आप वीडियोस देख के कोशिश करेंगे तो कनेक्शंस प्रॉपरली नहीं बनेगा और एक्यूरेसी नहीं आएगी। जिन लोगों ने सीखा हुआ है, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं या जिन्होंने पहले से सीखा हुआ है, जिन्होंने प्रॉपर अटेनमेंट्स लिए हुए हैं, उनको ये वीडियोस बहुत हेल्प करेंगे। मेरी कोर्सेज ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों चलते हैं। तो अभी के वीडियो में हम करेंगे एक रिलेशनशिप स्प्रेड। एक रिलेशनशिप स्प्रेड हमने मिरर स्प्रेड करा था, ये एक बहुत डिटेल्ड रिलेशनशिप स्प्रेड मैं आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए टर्न अराउंड करते हैं कैमरा को हम स्प्रेड की तरफ और मैं स्प्रेड करके दिखाऊंगी और उसका एक सैम्पल रीडिंग करके दिखाऊंगी। सैम्पल रीडिंग मतलब किसी का वो रीडिंग नहीं है, जस्ट एक्सप्लेनेशन की रीडिंग होता है तो किस तरह से आप करोगे। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोर्सेज सीखने हैं तो आपको पता है कि कहाँ मुझे कांटेक्ट करना है, 8826826749 पे। थैंक यू। हम लोगों ने कैमरा टर्न अराउंड कर दिया है। ये रिलेशनशिप स्प्रेड है जिसका मैं आपको बता रही थी। ये इस तरह से हमने प्लेस करा है। दिस इज 1 2 3 4 5 देन 6 7 8 9 10, इस तरह से। अब मैं आपको बताऊंगी कि इसको हमने रीड कैसे करना है। हम सैम्पल रीडिंग कर रहे हैं, ये स्प्रेड्स का टैरो मिनी लेसन्स चल रहे हैं। तो जैसे रिलेशनशिप में हम किस कार्ड से क्या रीड करेंगे, तो मैंने स्टार्टिंग के पहले 5 कार्ड्स खोल लिए हैं। तो नंबर 1 कार्ड से हम देखेंगे इस रिलेशनशिप का डिस्टेंस पास क्या था, मतलब कि किस बेसिस पे ये रिलेशनशिप बना था। तो दिखा रहा है कि रिलेशनशिप काफ़ी स्ट्रांग था, लव मैरिज थी और दोनों में काफ़ी अंडरस्टैंडिंग भी थी। और अभी रीसेंट पास्ट क्या है, जैसे डिस्टेंस पास्ट मतलब कि जब ये स्टार्ट हुआ रिलेशनशिप है, रीसेंट पास्ट मतलब अभी 1-2 साल में थोड़ा रिलेशनशिप में ट्रबल्स आने शुरू हो गए हैं, दोनों के बीच की अंडरस्टैंडिंग थोड़ी हिल रही है, एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और इस रिलेशनशिप के प्रति ये लोग लापरवाह हो रहे हैं थोड़े से, ना जिसे फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। अभी की सिचुएशन क्या है, अभी की सिचुएशन ये है कि यस दे आर टुगेदर, एक फैमिली है, एक टुगेदरनेस है, लेकिन कहीं ना कहीं ओवर द टाइम वो चांद थोड़ा खुल रहा है, जो मतलब खो रहा है, तो उनको थोड़ा एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने की जरूरत है। देन वी सी कि फ्यूचर इन्फ्लुएंस क्या रहेंगे। फ्यूचर में रिलेशनशिप लिखा है कि प्रॉस्पर करेगा, एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग बनेगी। एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस कुछ इस रिलेशनशिप में रहते हैं जिसकी वजह से बीच बीच में रिलेशनशिप में ट्रबल्स आते हैं, जैसे किसी दूसरे के कहने में अगर आप आ रहे हो। अब हमने 6 7 8 कार्ड खोला है। 6 नंबर के कार्ड से हम देखेंगे कि क्वेरेंट मतलब जो क्लाइंट है, जो पूछ रहा है, उसका इस रिलेशनशिप को लेके एटीट्यूड क्या है। बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं, फाइटिंग भी बहुत ज़्यादा होती है, चाहे वो लड़के चाहे लड़का, उसके तरफ से फाइटिंग होती है, जिसकी वजह से ये जो उनके पार्टनर हैं वो रिबेल करते हैं, मतलब एक्शन, देयर इज अ यू नो इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन टुवर्ड्स एनी एक्शन। तो अगर आप थोड़ा अंडरस्टैंडिंग बनेंगे, अपनी एक्सपेक्टेशंस का बोझ उन पर कम डालेंगे तो उनका ठीक होगा। एंड देन ऑब्स्टेकल्स क्या है, ऑब्स्टेकल्स एक्सपीरियंस करते हैं, इस रिलेशनशिप को नर्चर करना है और एक्सपीरियंस के बिहाफ पे चलना है। एंड देन आपका जो क्या कहते हैं इसका ऑब्स्टेकल्स ओवरकम क्या है, और देन होप एंड फियर्स क्या है, फाइनल रिजल्ट्स क्या है। इस तरह से ये रिलेशनशिप स्प्रेड होता है। आई होप ये आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। टैरो मिनी लेसन्स मुझे बताना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोर्स अगर आप करना चाहते हैं तो 8826826749 पे आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। थैंक यू।